दोस्तों, क्या आप सुंदर और अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना सीखना चाहते हैं, वो भी बिना सॉफ्टवेयर के मदद से? तो ये वीडियो आप अंत तक का जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि हम थंबनेल है क्या और थंबनेल हम क्यों बनाए। थंबनेल किसी भी इमेज को हम बोल सकते हैं जो अट्रैक्टिव लगता हो, जिसको हम देखकर हमें लगे कि हम उस पर क्लिक कर दें, जो एक लिंक से जुड़ा होता है, चाहे वो वीडियो की लिंक हो या किसी और पर्टिकुलर चीज की लिंक हो। और थंबनेल से हमारा CTR ऐसे बढ़ जाता है क्योंकि यूट्यूब हमें 3 जनरेटेड थंबनेल देता है जो कि इतने अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन हम वीडियो के बारे में ज्यादा थंबनेल के थ्रू बता सकते हैं, इसलिए हम अपने थंबनेल जनरेट करके CTR बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ब्राउजर पर टाइप करिए canva.com, या सर्च कर सकते हैं गूगल पे कैनवा, और आपको यहां पर साइन अप करना होगा। आप फेसबुक, गूगल प्लस या ईमेल से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहां पर साइन अप कर देता हूं। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो ये कैनवा की साइट खुल गई है। यहां पर आप सोशल मीडिया प्रमोशन पोस्टर, फेसबुक पोस्ट के लिए, किसी भी तरह के लिए आप थंबनेल बना सकते हैं। ये कुछ थंबनेल हैं जो मैंने इसी साइट पे बनाए हैं। तो चलिए, YouTube के थंबनेल के लिए मैं यहां पर आपको क्लिक करना है यूज कस्टम डायमेंशंस। तो यहां पर क्या है, YouTube की थंबनेल की डायमेंशन मैं डाल देता हूं 640x360, और यहां डिजाइन पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगा तो ये जो ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही है व्हाइट कलर के, इस पे हमारा थंबनेल बनेगा। तो यहां से हमें क्या है कि बहुत से फ्रेम मिल जाते हैं, बहुत से स्टाइल मिल जाते हैं, हम यहां से सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सी इमेजेस मिल जाती हैं। सपोज करो मुझे लाइन चुनना है, तो मैं यहां से सर्च करूंगा तो ये लाइन, तो यहां पर जो भी लाइन की इमेजेस होंगी वो मुझे मिल जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे यहां पर तरह तरह के लाइन यानी शेर आ गए हैं। मैं इसमें से एक कोई शेर आप चुनना है, तो इस तरीके से आप बड़े छोटे करके या आप घुमा के आप अपने थंबनेल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं कुछ अपने इमेजेस वगैरह अपलोड करूंगा और उसके थ्रू एक थंबनेल बनाऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले लेआउट आप देख लीजिए। लेआउट में आपको जिस हिसाब से आपको इमेजेस रखनी है, 3 इमेजेस रखनी है और एक टेक्स्ट के लिए रखना है, या एक टेक्स्ट के लिए रखना है, 4 इमेजेस रखनी है, तो अपने अकॉर्डिंग आप लेआउट, यहां पर बहुत से लेआउट हैं, आप चुन सकते हैं। ये बात करते हैं अब एलिमेंट की। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, फ्री फोटोज मिल जाएंगे, गिफ्ट मिल जाएंगे, फ्रेम मिल जाएंगे, आपको शेप्स मिल जाएंगे, लाइंस मिल जाएंगे, और बहुत से आइकन्स वगैरह यहां पर आपको फ्री में मिल जाएंगे। और ये है टेक्स्ट का, यहां से आप कुछ भी टेक्स्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहां पर बहुत से अलग अलग तरह की आप शेप देख रहे होंगे, आप इन शेप पे अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कलर की। तो आपने देखा होगा यहां पर आप कलर बैकग्राउंड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको पसंद हो आप वो कलर ऐड कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं यहां अपलोड की। मैं क्योंकि अपने ही इमेजेस का बनाता हूं ज्यादातर थंबनेल, तो मैंने यहां पर कुछ अपलोड करने के लिए कुछ इमेजेस वगैरह रखी हुई हैं, तो मैं यहां पर अपलोड कर लेता हूं। तो मैं यहां पर ये दो इमेजेस अपलोड कर लेता हूं ताकि एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना के आपको दिखा सकूं। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये अपलोड हो रहा है। मैं यहां पर ये इमेजेस बैकग्राउंड में लगाने वाला हूं, तो मैं इसको सिंपल थोड़ा सा, और ये इमेजेस के ऊपर मुझे थंबनेल बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं। कूल टेक्स्ट एक साइड है, आपने देखा होगा कूल टेक्स्ट। अगर आपको पता नहीं है तो cooltext.com आप टाइप करिए ब्राउजर पे, और यहां पर बहुत से लोगो आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी में या इंग्लिश में टाइप करना है तो किसी भी तरह की डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे
तो आपको उस तरीके के लोगो मिल जाएंगे, यानी कि आपको थंबनेल में जिस स्टाइल में लिखना है आप उस स्टाइल में लिख पाएंगे। तो मैं यहां पर कुछ, मैं ये ले लेता हूं, ये डिजाइन ले लेता हूं मैं, और इस डिजाइन पे मैं, मुझे इसी डिजाइन पे थंबनेल लिखना है। मैं टाइप करने के बाद यहां सिंपल क्रिएट लोगो पर क्लिक करूंगा और इसे मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं कैनवा पे जाऊंगा और यहां से मैं अपलोड कर लूंगा अपनी इमेज। अब मैं सिंपल अपने इमेज को क्लिक करके यहां ड्रैग कर लूंगा या ड्रैग करके यहां ले लूंगा। अब मुझे जितना अपनी इमेज को या लोगो को जितना बड़ा छोटा करना है तो यह मैं ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकता हूं। तो मैं यहां पर कुछ इस तरीके से रखने वाला हूं, कुछ बड़ी सी इमेज लोगों को दिखे तो मैं यहां पर इस तरीके से रखने वाला हूं। तो ये मैंने रख दिया इस तरीके से, ये इमेज आ गई, थंबनेल लिख दिया हुआ है मैंने। मैं इसमें कुछ और टेक्स्ट ऐड करने वाला हूं, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपल मुझे टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर, बहुत सी स्टाइल है, बहुत सी डिजाइन है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं कोई सिंपल सी डिजाइन ले लेता हूं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना भी छोटा नहीं हो कि लोगों को दिखे ना। यहाँ रख दिया, मैं थोड़ा सा कुछ और लिख लेता हूँ। मैं यहाँ सिंपल टेक्स्ट पे गया और सिंपल मैं यहाँ पर ऐड हेडलाइन कर लेता हूँ। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ। इसका साइज बड़ा छोटा रखना है तो रख सकते हैं, मैं यहाँ ये रखने वाला हूँ। और इसके बाद आप चाहें तो इसका कलर, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, आप टेक्स्ट को का कलर सेलेक्ट करिए जितना आपको चेंज करना है कलर, और आप इस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर का पैलेट है तो आप बहुत से कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो फिलहाल मैंने ये कलर चूज कर लिया। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे थंबनेल में कुछ अट्रैक्टिव हो, तो मैं यहाँ पर एक इमेज रख देता हूँ, ये इमेज, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, थोड़ा इधर कर देता हूँ। अब ये इस तरीके से थंबनेल मेरा बन गया। अगर मुझे हिंदी में लिखना है तो मैं यहाँ पर हिंदी में भी मैंने कुछ टाइप किया हुआ था, तो आप हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। तो हिंदी में आप कूल टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, कूल टेक्स्ट आपने देखा होगा, कूल टेक्स्ट .com, तो बहुत अच्छे यहाँ पर थंबनेल वगैरह बन सकते हैं, ये लोगोज वगैरह बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने पहले से कूल टेक्स्ट में बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैसे बनाए। दोस्तों यहाँ पर बहुत सी डिजाइन है, तो आप यहाँ पर बहुत से बैकग्राउंड हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये साइड मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ तो आप भी यूज करें। और ये मैंने एक थंबनेल जल्दबाजी में बना के दिखाया है, होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरा ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाने से पहले मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। डाउनलोड यहाँ पर आपको करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है, और आप यहाँ पर PNG रिकमेंड है तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दें, और अब आपकी डिजाइन डाउनलोड हो रही है, तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।